हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्लेवर में आप सबका स्वागत है। आज हम एकदम परफेक्ट माप के साथ आटे का इतना टेस्टी हलवा बनाएंगे कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आइए इस बेहद स्वादिष्ट हलवे की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक भगोने में 2 कटोरी पानी गर्म करेंगे। इसी कटोरी का प्रयोग हम सारी सामग्री को नापने में करेंगे। इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे और इसे घुलने तक पकाएंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। जैसे ही चीनी पानी में घुल जाती है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक साइड में रख लेंगे। अब हम एक पैन में या कढ़ाई में उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी देसी घी लेंगे। घी को गर्म करेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं। इसे घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यह फ्राई हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बचे हुए घी में 1 कटोरी बिना छाना हुआ आटा डालेंगे और इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भुनेंगे। आटे में हल्का मॉइस्चर होने के कारण पहले इसमें झाग सा बनने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद यह झाग अपने आप ख़त्म हो जाएगा और आटा कुछ इस तरह से लिक्विडी दिखाई देने लगेगा। अब इसी स्टेज पर हमें धीमी आँच में आटे को लगातार चलाते हुए भुनते रहना है। जब आटे का कलर थोड़ा डार्क ब्राउन होने लगे और इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो इसका मतलब कि आटा अच्छी तरह से भुन गया है। हमने जो चीनी और पानी का घोल बनाया था, उसे एक हाथ से इसमें धीरे धीरे डालेंगे और दूसरे हाथ से लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से मैंने जो चीनी और पानी का घोल बनाया था, उसे मैंने इसमें पूरा का पूरा डाल दिया है। थोड़ी देर बाद आटा थिक होने लगेगा। हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया था, उसे इसमें डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉप कर लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में साबुत ही डाल रही हूँ। इसे हलवे में मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे हलवे में ना डालें। आप बिना ड्राई फ्रूट्स डाले भी हलवा बना सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स डाले भी हलवा काफ़ी टेस्टी लगता है। जब हलवा किनारों से घी छोड़ने लगे और कढ़ाई से अलग होने लगे, तो इसका मतलब कि हलवा अच्छी तरह से पक गया है। इस स्टेज में हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार है। इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ है, बिल्कुल क्रीमी और मक्खन जैसा मुंह में घुल जाने वाला है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने इस टेस्टी हलवे को एक बार बना लिया, तो आप बाकी सारे हलवे खाना भूल जाएंगे। इस बेहद स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाले हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।